पाकिस्तान टीम के लिए बुरी खबर आई है। पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें फ़कर जमान, इमरान खान, काशिप भट्टी, मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान और वहाब रियाज जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। बता दें कि इससे पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली, हारिस रऊफ और शताब खान की कोरोना जाँच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके अलावा आबिद अली, असद शफीक, अजहर अली, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फवाद आलम, इफ्तिकार अहमद, इमामुल हक, कुशील शाह, मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह, सरफराज अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद, सोहेल खान और यासिर शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं पाकिस्तानी दिग्गज खिलाड़ी शोएब मलिक ने अभी कोरोना टेस्ट नहीं कराया है। बता दें कि मलिक पाकिस्तान की टीम के साथ इंग्लैंड रवाना नहीं होने वाले थे। शोएब मलिक कुछ दिन परिवार के साथ समय बिताने के बाद अगले महीने के आखिर में इंग्लैंड के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन इंग्लैंड जाने से पहले क्रिकेटरों का कोरोना से पॉजिटिव होना यकीनन चिंता का विषय है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा नियुक्त किए गए महानिदेशक डॉक्टर सुहेल सलीम का मानना है कि कोरोना के खौफ के बीच पाकिस्तान का इंग्लैंड दौरा करना बड़ा जोखिम भरा साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।